तो फोर जो वन पेयर था वो सिक्स मीटर कर रहा था, तो फोर पेयर्स कितने हो गए 24 मीटर। और नेक्स्ट क्या है, अगर 8 मीटर का जंप करते 24 मीटर के बाद तो कितना हो जाएगा 32, लेकिन 32 हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए 6 मीटर। तो 6 मीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, 60 सेकंड में कर रहा है 8 मीटर, मतलब अगले जंप में, लेकिन हमें कितना चाहिए 6, तो 6 निकालने के लिए हम 3/4 कर देते हैं उसका, या फिर ऐसा कह लो कि 1 मिनट के 4 हिस्से कर लो और 4 हिस्सों में से 3 हिस्से रख लो। तो 4 हिस्से करो कि 15 आ गया, 15 के 3 हिस्से रख लोगे तो 45 आ गया। तो टोटल टाइम जो है वो आएगा आपका 8 मिनट एंड 45 सेकेंड्स इस पोल को पहुंचने में, उसके पोल के टॉप तक। तो आइए, एक क्वेश्चन बीच में रह गया था शायद, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट थे, एक पार्ट हमने कर लिया था, तो दूसरा पार्ट देखते हैं कि पोल अगर 60 मीटर का है, 60 मीटर का पोल है तो एक जंप कितने का था 15 मीटर का। तो अगर मैं यहाँ पे 45 लूँ, और हाँ जी ये आपका 45 मीटर हो गया, सेकंड पोल 60 मीटर, 60 मीटर था, 45 मीटर आप पहले कवर करोगे, उसके बाद आपका एक जो सिंगल जंप है सिंगल मिनट वाला वो आपका 15 मीटर का चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले एक पेयर में कितना है, एक पेयर में आपने देखा था यहाँ पे, एक पेयर में कितना है 3 मीटर, यही सेम क्वेश्चन है, जस्ट पोल की डिस्टेंस चेंज है। तो एक पेयर में आपका 33 मीटर है, तो 15 पेयर में कितना हो गया, एक पेयर में 3 मीटर है, 15 पेयर में हो गया आपका 45 मीटर। और 15 पेयर है किसके इक्वल, एक्चुअली 15 पेयर आपके इक्वल हैं 30 मिनट्स के, तो ये डिस्टेंस आपकी 30 मिनट्स में कवर हो गई जो जहाँ तक थी 45 तक। उसके बाद एक और जंप लगाएगा तो अगले मिनट में 60 तक पहुँच जाएगा। बाद में स्लिप होता है या नहीं होता वो अलग चीज़ है, लेकिन पहली बार पहुँचने में कितना टाइम लगता है वो आपको पेपर में बताना होता है। तो एक मिनट और लगेगा जो अगले मिनट में करेगा वो 15 मीटर का जंप। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका, 60 मीटर वाले पोल का आपका आंसर बन जाएगा, टोटल टाइम 30 मिनट जो पहले थे 1 मिनट बाद का, तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका 31 मिनट्स। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम मैनुअली लेते हैं, वो क्वेश्चन मैंने किया था तो उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन था, एक मंकी है वो 12 मीटर जो है वो फर्स्ट मिनट में अप जाता है, और जो है अगले ही मिनट में 7 मीटर जो है वो डाउन आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, कई बार उलझाने वाले क्वेश्चन आते हैं। पोल की डिस्टेंस थी, पोल की लेंथ थी 60 मीटर, ठीक है, तो इसका टाइम निकालना था। अब देखिए, अब अगर आप इसमें से 12 माइनस कर देंगे, अगर आप इसमें से 12 माइनस कर देते हैं तो आपका 48 आ जाता है। अब 48 जो है वो एग्जैक्टली आपका नहीं आ सकता क्योंकि एक पेयर में कितना कर रहा है, 12 अप जा रहा है 7 डाउन आ रहा है, तो एक पेयर में बन रहा है 5 मीटर। तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन बन जाते हैं, एक तो आप 45 ले लो, दूसरा हो सकता है कोई 50 ले ले। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर वो 45 के बाद, यहाँ पे देखिए 45 का केस डिस्कस कर रहे हैं हम, अगर वो 45 के बाद एक जंप लेता है तो कितना हुआ 57, उसके बाद 57 से कितना डाउन आ गया, 7 डाउन आ गया, मतलब माइनस कर दिया 7 अगले मिनट में, तो वापस 50 पे आ गया फिर से। उसके बाद फिर से 12 का जंप लेगा, मींस 10 का जंप लेगा जैसे हमने पहले किया है। लेकिन अगर हम 50 लें, 50 वाले केस में क्या है, 50 के बाद उससे डायरेक्टली एक ही जंप लगाना है 10 मीटर का। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में देखनी होती है कि कौन सी चीज़ लेनी है। अब हमें ये वाला 47 वाला केस नहीं लेना क्योंकि इसमें एक बार जंप लगाने के बाद दोबारा से वो वापस स्लिप हो रहा है, तो इस केस में हम 45 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इस केस में हम सिर्फ 50 को ही साथ में लेके चलेंगे और 50 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए 50 के साथ देखते हैं, पहले हमें पेयर बनाने हैं, एक पेयर में
एक पेयर में जो है वो कितना चल रहा है आपका, एक पेयर इक्वल टू 5 मीटर, वन पेयर इक्वल टू 5 मीटर जा रहा था, तो 10 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 पेयर्स कितने होंगे, 10 पेयर में कितना हो गया आपका 50 मीटर। मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर ही है, बेसिक चीज़ है। तो वन पेयर में 5 मीटर जा रहा था, 10 पेयर्स में कितना हो गया 50। अब अगला जंप कितने का था, 12 मीटर का, कितनी देर में कर रहा था वो, 60 सेकंड में। अब 12 मीटर का जंप था, 60 सेकंड थे, लेकिन हमें जंप कितने का करवाना है, हमें 10 का करवाना है, तो हम 60 सेकंड के 6 पार्ट कर लेंगे, और 10 कितना है, 10 5 पार्ट्स हैं, तो अगर यहाँ पे 10 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप इसको कर सकते हो, 10 मीटर है तो हो गया 60 by 12 into 5, तो 12 5 60, यहाँ पे 10 आएगा तो आपका आ गया 5 60, और 12 5 60 एंड देन 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आपके सेकंड आ गए। वैसे भी अगर देखोगे तो 60 के 6 पार्ट करोगे तो 10 सेकंड का पार्ट आएगा, और 10 मीटर जो है वो 5 पार्ट्स हैं, तो आप उसको 50 सेकंड भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो 50 सेकंड आपके आके आ गए हैं, 50 सेकंड और लगेंगे उसको 10 मीटर का जंप करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है ध्यान रखना है कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जैसे यहाँ पे 45 लेके अगर कोई कर रहा था तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया, 20 मिनट्स जो थे वो आपके 10 पेयर्स के थे जो आपने स्टार्टिंग में किए हैं 50 मीटर के लिए, और साथ में 50 सेकंड और हैं, तो टोटल टाइम जो है ये आपका हो गया 20.50 मिनट। ये भी आंसर हो सकता है आपका, एक मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं थे दिए, तो आंसर के कई टाइप हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है 20 मिनट 50 सेकंड, और एक आपका हो सकता है 25 by 6 फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे आप लिखते हो 1:1:2। पढ़ लेना, पढ़ लो पढ़ लो।